सुष्मिता बेटा सुन, मुझे ना बहुत जरूरी काम से जाना है। बच्चों को जो वो मांगे उनकी मनपसंद चीज बना के खिलाना और देख लेना वो अपना होमवर्क कर ले। भाभी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप अपना काम करके आना। मम्मा जा रही है तो मम्मा से बात करना। नहीं, मेरे को सुष्मिता दीदी से डर लगता है। तू कर। ओके बेटा, मैंने दीदी को समझा दिया है, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। बाय, सी यू। मैं नहीं करवा रही, अपने आप कर लो। चलो फटाफट कमरे में, चलो फटाफट, चलो फटाफट। दीदी दीदी भूख लग रही है, मैगी बना दो। मैं नहीं बना रही, जो किचन में है वो खा लो। दीदी मम्मा ने होमवर्क के लिए कहा था, एक बार चेक कर लो। मैं नहीं करवा रही, अपने आप कर लो। दीदी दीदी जरा देखेंगे। मेरे को तंग करने का जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इधर आओ बच्चे। अगर तुमने मामा पापा को बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मामा अब हमें अकेले मत छोड़ के जाया करो। क्या हो गया बेटा? बस अब नहीं छोड़ के जाया करो। नहीं कुछ बताओ तो सही। हेलो। हेलो। यस जी, मैं आपकी बेटियों के स्कूल से उनका टीचर बोल रहा हूँ। जी जी बताइए जी। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी बेटियों की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है और वो बहुत डरी डरी सी रहती हैं क्लास में। क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमनीक कुछ गलत हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अभी बच्चों ने भी इतने डरे डरे बोला कि आप घर से मत जाया करो। हाँ? और अभी स्कूल से टीचर का फोन आया, वो कह रहे हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, वो स्कूल में डरे हुए घूम रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अरे इतना घबराओ मत, ऐसा करते हैं तुम सुष्मिता से पूछो, मैं बच्चों से पूछता हूँ, पता तो करें प्रॉब्लम है कहाँ पर। ठीक है ऐसे ही करते हैं। बेटा एक बात सुन जी। जब मैं घर से जाती हूँ तो मेरे पीछे से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं भाभी, मेरे होते हुए कैसे दिक्कत हो सकती है, वो तो मजे से खेलते हैं मेरे साथ भाभी। अच्छा चल तू अपना काम कर। बेटे एक बात बताओ, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती? पापा वो ना वो पापा वो चुप करना ना चाहिए ना पापा वो कोई दिक्कत नहीं होती, सब ठीक। क्या कहा बच्चों ने? वो तो कह रहे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुष्मिता क्या कह रही है? वो भी कह रही है सब ठीक है। ये चल क्या रहा है इस घर में? सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या गंद डाले तुम दोनों ने? तो क्या हुआ दीदी, हम खेल रहे थे, आप साफ कर देना। क्या मैं साफ करूं? जी भाभी। क्या अभी तू यही कहेगी कि तूने मेरे बच्चों को तंग नहीं किया? नहीं भाभी नहीं। वो देख, मैंने तुझे अपनों की तरह रखा ताकि तू मेरे बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह रखे। माफ कर दो भाभी प्लीज। किस हक से मुझे माफी मांग रही है? मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने तुझ पे विश्वास किया। निकल जा मेरे घर से। बच्चों मुझे ना माफ कर दो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके मम्मी पापा को बोलो कि मेरे को काम से नहीं निकाले, आपके जैसे मेरा भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा आप चुप हो जाओ, आप मत रो।
मम्मा मम्मा आप दीदी को काम से मत निकालो, वो उधर बैठ के रो रही थी। उनके भी हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हमारे को प्रॉमिस करा है वो आगे से हमारे को तंग नहीं करेंगी। अच्छा चलो आप खेलो, मैं देखती हूँ। नहीं रमीक, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको दोबारा इस घर में रखूं। ये बेचारी कहाँ जाएगी, वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या पता उसका मन सच में बदल गया हो। नहीं मुझे नहीं लगता। एक बार सोच के तो देखो। देख बेटा, इस बारी मैंने अपने बच्चों की खातिर और तेरे बच्चों की खातिर तुझे माफ कर दिया, मगर इसके बाद अगर मुझे कोई शिकायत का मौका मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेटी कुछ खानी है? नहीं दीदी मुझे अभी भूख नहीं है। बहुत देर हो गई है, कुछ खा लेना। नहीं नहीं अनन्या बेटी पानी पी लो। नहीं दीदी मुझे पी लो। अरे चलो बाबा ऑफिस जा रहे हैं, इतना लेट हो गया है। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। बेटा हम ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखना। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। सुकर है मेरे बात पे आ गए, अब मैं बदला लेकर रहूंगी। पहले तो मैं सीसीटीवी के कैमरे की तार ही निकाल देती हूँ। बच्चों। हाँ जी दीदी। हाँ जी चलो अंदर चलो। दीदी खा लेके जा रहे हो? दीदी खा लेके जा रहे हो? दीदी खा लेके जा रहे हो? डर तो अब लगेगा। अगर किसी को बताया तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, वो पैसा कमाने में लगे हैं, उनको पैसा ज्यादा प्यारा है। तुम्हारी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों जाओ देखो ना। मैं देख कर आती हूँ। बच्चों कैसा था दिन? बेटा बोलो ना क्या हुआ, मुझे जवाब तो दो ना। अरे बोलो ना बच्चा। क्या हुआ? बच्चे तो बिल्कुल ही चुप हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। अरे थक गए होंगे पूरा दिन खेल खेल के, तुम सुबह बात कर लेना। रमनीक कुछ गड़बड़ है। अरे तुम हर बात पे शक करती हो यार, कोई बात नहीं रिलैक्स। मैंने बच्चों को कभी भी इतना चुप नहीं देखा। मैं सुष्मिता से पूछती हूँ। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। सुष्मिता बच्चे इतने चुप हैं, आज कुछ हुआ था क्या घर में? नहीं भाभी, पूरे दिन तो मेरे साथ खेलते रहे। पक्का ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है तू जा। हो गई तसल्ली, अब तो ठीक है तुमको? नहीं रमनीक, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे तुम्हें इतना शक है तो सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो है हमने, चेक करो उसमें। रमनीक देखो इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो सारा ब्लैंक आ रहा है। वायर चेक करें थे? हाँ, हो सकता है वायर ना उतर गई हो। बिल्कुल नहीं, आप देखो प्लीज। क्या हुआ? वायर तो बिल्कुल ठीक लगी हुई है।
रमनी, कुछ तो गड़बड़ है। आप मेरा यकीन मानो, मैंने बच्चों को इतना चुप कभी नहीं देखा। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ब्लैंक आ रहा है और उसकी तारें भी सब सही लगी हुई हैं। अगर सच का पता लगाना है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, 2-3 घंटे में आएंगे। बच्चों का ध्यान रखना। जी भाभी, आप चिंता मत करो। चलो उठो, चलो उठो, बहुत हो गया आराम। दीदी, चलो चलो। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? चलो। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी, चलो। काले की जा रहे हो? काले की जा रहे हो? अंदर चलो। क्या हो रहा है भाभी? वो ना बच्चे कहाँ हैं? भाभी वो ना बच्चे कहाँ हैं? भाभी वो ना उधर से आवाज आ रही है, जरा देखो। मेरी गलती, मैंने तुझे माफ किया। तू किसी माफी के लायक नहीं है। निकल जा मेरे घर से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा। रमनीक, इसमें गलती सिर्फ हमारी है। हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाए। अपने करियर के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में हमने अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी उस मेड पर डाल रखी थी। मगर अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अब मैं अपना सारा वक्त अपने बच्चों को दूंगी। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो हमारे लिए बहुत है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। मगर इस टाइम हमारा सारा वक्त हमारे बच्चों के लिए है। भाभी, मैं आपके साथ कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमने उसको घर से निकाल दिया है। मेरी मुझे बिल्कुल बहुत डर लग रहा है। अब वो कभी भी हमारे घर में वापस नहीं आएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर। भगवान, अब तू क्या करने आई है इस घर में? भाभी, मैं तो चली गई थी। अरे तुम बाहर क्या कर रही है? घर के अंदर जाओ, तुमको पता नहीं है बाहर अलाउड नहीं है? ना कोई बस मिल रही है, ना कोई मेट्रो मिल रही है, ना कोई ऑटो मिल रही है।
सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ भाभी? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तू इस घर में नहीं रह सकती। सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ भाभी? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तू इस घर में नहीं रह सकती। एक सेकंड, तुम मेरे साथ जरा अंदर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, किसी को घर से बाहर निकलना अलाउड ही नहीं है। वो कहाँ जाएगी? वो सड़क पे भूखी प्यासी मर जाएगी। रमीक, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। ओ, मेरे को भी पता है उसने क्या किया है। कुछ ही दिनों की बात है, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा किसी कोने में पड़ी रहेगी। और अच्छा ठीक है, चलो एक बात कान खोल के सुन ले, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एक सेकंड भी मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। एक कोने में पड़ी रहे और मेरे बच्चों के पास जाने की सोचियो भी मत। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। चलो ये क्या हो रहा है रमनी? उसको बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा थोड़े फल दे दूं। रमनी, आगे से आप मेरे से बिना पूछे इसको कुछ भी नहीं देंगे। क्या हो गया भाभी? रमनी, क्या हुआ? रमनी, मेरा हाथ जल गया। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपनी हालत देखी है? मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ। अरे आप कैसे बनाओगे? अरे मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा ना, अपनी हालत देखो। आओ बच्चों। भैया क्या ढूंढ रहे हो? कुछ बच्चों के लिए खाना बनाना है मुझे। मैं बना दूं भैया? बना दे। ठीक। भैया ये लो बच्चों। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा बनाया। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाँ जी। बेटा कुछ भाभी के लिए भी बना दो। हाँ जी भैया, बना देती हूँ। मैंने तुझे मना किया था किसी चीज को हाथ लगाने से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम दो मिनट अंदर आओ तुम जरा। अरे उसको मैंने कहा था तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने के लिए। मैंने आपको कहा है मुझे उसके हाथ का कुछ भी नहीं चाहिए।
अरे तुम अपनी हालत तो देखो। भैया भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अरे तेरे को तो पता ही है भाभी कितना डांटती है। देख भाई मेरे से उम्मीद मत कर, जो बात करनी है भाभी से कर। जी भैया। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप खाना खाएं। चलो चलो। ये क्या बनाया तुमने? मैंने नमक तो डाला था, पता नहीं मेरी तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, शायद ज्यादा डल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना देती हूँ। ये ना सुष्मिता को दे देते हैं खाने के लिए। लेकिन हमसे नहीं खाया जा रहा, वो कैसे खाएगी? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इनको उसको दे देते हैं, आप रहने दो। सुष्मिता ट्रे लेकर आओ, ये तुम ले जाओ, तू खा ले। रमनीक, क्या हुआ? मुझे ना इस पे बहुत दर्द हो रहा है, आप ना मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अरे हॉस्पिटल? तुमको पता है बाहर लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि छोटी छोटी बातों पे हॉस्पिटल मत आओ, इन्फेक्शन का डर रहता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर, कह रहे हैं दूसरी दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा। मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी पापा, पापा जल्दी चलो, देखो दीदी को क्या हो गया। क्या हो गया? अब चलो बस। चलो चलो चलो। अरे अरे वहां पे सुष्मिता बेहोश पड़ी है। अरे वहाँ पे सुष्मिता बेहोश पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया उसको, मुझको लग रहा है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हमें। हॉस्पिटल? कैसी बातें करो, अभी तो आप कह रहे थे कि लॉकडाउन है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अरे लॉकडाउन है लेकिन इमरजेंसी में तो जा ही सकते हैं। अरे नहीं नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारो और जो घर में वो दवाई पड़ी है वो दे दो, अभी ठीक हो जाएगी। अरे सुष्मिता तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। क्या हो गया था? ऐसे बस चक्कर आ गया था भैया। हाँ वाह, उठो उठो। पापा पापा हमें बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं बेटे, तुमको पता है ना मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुष्मिता दीदी को बोलता हूँ वो आपको। नहीं नहीं पापा, हमें उनसे बहुत डर लगता है, हमें उनसे नहीं खाना। कोई बात नहीं बेटे, मैं यही बैठा हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। अरे सुष्मिता। जी भैया। बेटा तुमको तो पता है ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों के लिए कोई फ्रूट काट दो, इनको भूख लगी है। ठीक है भैया। ये लो बच्चे।
रमीक सुनो, आपने मेरे पर्स में से पैसे लिए हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं लिए। कहाँ पड़ा था तुम्हारा पर्स? बच्चों के कमरे में ही पड़ा था। अरे तो वहाँ पर सुष्मिता और बच्चे खेल रहे थे। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। पापा पापा हम बोर हो रहे हैं, आप हमारे साथ गेम खेलो ना। बेटा मुझे ना कुछ ऑफिस का काम है, आप सुष्मिता दीदी के साथ खेल लो। नहीं नहीं पापा, हमें उनसे बहुत डर लगता है। अरे बेटा मैं यहीं पे हूँ, डरो मत। सुष्मिता जी। भैया। बेटा जरा बच्चे ना बोर हो रहे हैं, इनके साथ वो गेम खेल लो जरा। जाओ बच्चे जाओ। रमनीक, रमनीक। हाँ बताओ ना। सुनो, आपने उसको दोबारा रख तो लिया ही है, मगर मुझे ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्स में से जो पैसे निकले हैं वो शायद उसी ने लिए होंगे। अच्छा अगर ऐसी बात है ना, तो ऐसा करते हैं आज उसका एक इम्तिहान लेके देख लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, आपने उसको दोबारा रख तो लिया ही है, मगर मुझे ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्स में से जो पैसे निकले हैं वो शायद उसी ने लिए होंगे। अरे तुम हर बात पर उस पर शक करती हो, अब वो पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। मुझे ना बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा उस पर। अरे वो बच्चों को भी इतना प्यार कर रही है, अब तुम देखो तो सही। नहीं नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है ना, तो ऐसा करते हैं आज उसका एक इम्तिहान लेके देख लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। मैं तुमको अपनी एक पैंट देता हूँ, उसमें कुछ पैसे डाल देता हूँ, तुम उसको बुलाओ और उसको बोलो इसको प्रेस करके ले आ, अभी पता चल जाएगा वो पैसे निकालती है या नहीं निकालती। ये ठीक रहेगा। ये पकड़ो पैंट, इस पर मैंने कुछ पैसे डाल दिए हैं और तुम उसको प्रेस करवा के देखो। ठीक है ठीक है। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। ये भैया की जीन्स प्रेस कर दो। ठीक। सुष्मिता। हाँ जी भाभी। ये भैया की जीन्स प्रेस कर दो। पैसे थे। अच्छा ठीक है, तू जा। रमनीक। हाँ जी। उसने पैसे दिए। मैंने कहा था ना वो चोर नहीं है, तुम बिना बात पे उस पे शक कर रही हो। हो गई तसल्ली? आप सही कह। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा, दीदी ने हमें मारा। मारा? सुष्मिता, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बच्चों को मारा? भाभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं मारा भी नहीं। बच्चे कह रहे हो तूने उसको मारा? नहीं भाभी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा एक सेकंड, तुम सुष्मिता जाओ अंदर जाओ। बच्चों तुम अंदर चलो। देखो मैं सब जानता हूँ कि सुष्मिता ने पहले क्या क्या किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अब वो बदल चुकी है। अगर मेरे बच्चे कह रहे हैं कि उनको मारा गया है तो ये बात फाइनल है, और इस बारी मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। हर बारी सुष्मिता गलत नहीं हो सकती, मेरे पे भरोसा रखो। मैं एक बारी बच्चों से बात करता हूँ, एक बार सुष्मिता से बात करता हूँ। ठीक है। बच्चों मुझे सच सच बताओ वहां पर क्या हुआ था?
पापा वो हम गेम खेल रहे थे, हमने दीदी को बोला था आप ये वाली गीटी इधर रख दो, तो उन्होंने हमारे को एक एक थप्पड़ मार दिया। हैं? सच बोल रहे हो तुम? हाँ जी पापा। सुष्मिता जी भैया, मुझको सच सच बता वहाँ कमरे में क्या हुआ था। भैया मैंने कुछ नहीं किया, अचानक खेल रहे थे, इन दोनों ने रो पड़े और चले गए, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। बिल्कुल सच बोल रही है तू? हाँ जी भैया। चलो बैठो तुम, मैं आता। दीदी आओ चलो खेलते हैं। दीदी आ जाओ। क्या हो गया? मम्मा अकेले थे, दीदी ने हमको मारा। मारा? फिर से? सुष्मिता, हाँ जी भाभी, तुमने भी फिर बच्चों को मारा? नहीं। सुष्मिता तुम अंदर जाओ, तुम मेरे साथ अंदर आओ, चलो अंदर तुम भी। अब मुझे सच सच बताओ दोनों, कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा सच बताओ क्या हुआ था, मुझको सच सुनना है। पापा वो हम खेल रहे थे, दीदी ने हमारे को मारा। मैं सच सुनना चाहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है वहाँ पे। पापा दीदी ने हमारे को पहले बहुत तंग किया था, इसलिए हम चाहते थे कि दीदी को भी डांट पिटे। बेटा ये तुमने बहुत गलत किया है। सॉरी पापा, हम आगे से ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। जाओ तुम यहाँ से। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, मैंने तुमसे कहा था हर बार वो गलत नहीं होती, अब वो बदल चुकी है। अपने मन में उसके प्रति जितनी भी कड़वाहट है उसको निकाल दो। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो वाकई बदल गई है। मैं उससे माफी मांग लूंगी और अब उसे अपने परिवार का हिस्सा बना के रखूंगी। जी मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे इतना गलत समझा। मेरे को पूरा यकीन हो गया है कि तू पूरी तरह बदल चुकी है। मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करती हूँ और तुझे अपने घर का हिस्सा बनाती हूँ। अब मैं अपने बच्चों में और तुझ में बिल्कुल कोई फर्क नहीं करूँगी। आपके बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। हेलो, ये लोग पूरी तरह से मेरे झांसे में आ गए हैं, इनको मैं शीशे में उतार लिया। अब हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है।